ਤੇ 6-7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪਿੰਡਿਆ ਸੜ ਗਿਆ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਇਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗਿਰਵੀ ਬਕਾ ਚੜਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ 10-15 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਆ ਦਵਾਈ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਲਈ ਆਟਾ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ ਬੱਚੇ ਤਿੰਨ ਹਾਲ ਦੋ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਇਹਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਛੱਡ ਛੜਾ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਲਾਦ ਨੂੰ ਵੱਧ ਲਈ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪੁੱਤਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਲਿਆ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਬਰ ਟੀਵੀ ਕੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਨੇ ਕੇ ਲਈ ਹਮਾਰਾ ਚੈਨਲ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस देख सकें देखते रहें पाकिस्तान खबर टीवी अस्सलाम वालेकुम जी हमजा बैठ हाजिर खिदमत आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर टीवी सब देखने वालों को रमज़ान मुबारक तो हमारी कोशिश है कि माहे रमज़ान के महीने में उन लोगों की कहानियां आप लोगों से शेयर की जाएं उन डिज़र्विंग लोगों की स्टोरियां आप लोगों से शेयर की जाएं जो लोग असल में हकदार हैं और उन लोगों को आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है आज ऐसे ही चचा जी से आपकी मुलाकात करवाने वाला हूँ 5 साल पहले अपना कारखाना हुआ करता था लेकिन किसी वजह से कारखाने में आग लग गई और आज मामला यहाँ तक पहुँचे हैं जो मेरे पीछे आप घर देख रहे हैं ये सारा घर उन्होंने गिरवी चढ़ाया हुआ है और 15-20 लाख रुपए का इस टाइम उनके सर पे कर्ज भी है घर के सारे जो हालात हैं बिजली का मीटर भी कट चुका है बिजली नहीं है इस घर के अंदर तो आप ये सोचें कि एक बुज़ुर्ग बंदा गर्मी के मौसम में आगे शदीद गर्मी के जो है मौसम आने वाला है उसमें किस तरह गुजारा करेंगे उनके घर की कंडीशन में आप लोगों को दिखा दूँ गैस भी बिल्कुल नहीं है लकड़ियाँ यहाँ पर पड़ी हुई हैं लकड़ियों से यहाँ पर चूल्हा जलाया जाता है और उसके ऊपर हंडिया बनाई जाती है बाकी कोई ऐसी चीज मुझे यहाँ पे कोई लग्जरी आइटम घर में कोई नजर नहीं आ रही है देख लें कुछ 2-3 जरूरत की पुरानी इस्तेमाल शुदा चीजें पड़ी हैं जिससे अपना गुजर बसर कर रहे हैं ये सारे मामला था एक टेबल पड़ा हुआ है अपनी बेटी के साथ यहाँ पे जिंदगी गुजार रहे हैं जो जवान बच्चे हैं वो भी अपनी बीवियों को लेके ससुराल में शिफ्ट हो गए हैं लेकिन ये जो बाबा जी हैं बुजुर्ग हैं ये अब अकेले तन तनहा इस चारपाई पे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं क्या हुआ इनके साथ सारी ज़िंदगी में जो मामलात हैं इनके साथ क्या हुआ सारी इनकी जो कहानी है आप लोगों से शेयर करते हैं चाचू की हाल है खैर है जी ना की अपना शालवार जी चाचू होया की जी सारे मसला दसो अपना की होया की मसला की आया है पुत्र आए ते 6-7 साल हो गए पिंडिया सड़ गया दो तिल्ली वारी अग लग गई यह पैसे लाए थे लोगों को ਯਾ ਗਿਰਵੀ ਬਕਾ ਚੜਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮਕਾਨ ਵੀ ਗਿਰਵੀ ਚੜ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਚੜ ਗਿਆ 10-15 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਆ ਦਵਾਈ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਲਈ ਆਟਾ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤਿੰਨ ਹਾਲ ਦੋ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਇਹਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਛੱਡ ਛੜਾ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਯਾਨੀ ਪਿਓ ਨੂੰ ਐਸਾ ਹਾਲ ਚ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ बीमार हो पठे खिचे गए फिर नहीं चले जाए तो बड़ा मसला पुत्र होया पे सवेर रोटी सवेर दी खादी पैसा ला तेला तो भुखा बैठा वा नहीं बच्चे जिन्हें माशाल्लाह जवान होने ने कभी उन्होंने नहीं कहा प्यो दवाई खा लाया कोई दारू दवाई कोई रोटी पानी आप अपनी बुढ़िया लाया के चले गए ओला आख्या भी ला मीटर ला बत्ती गए असी की कर गए बिजली भी कटी गई घर वापटा कट के लाया गया बत्ती बेल ही नहीं पुता दिता जाता 33,000 है 33,000 घलिया 33,000 कर दिता है बेल ही नहीं दिता जाता मीटर बह कितों लिया वा सारी रात मच्छर ही बह रही दिल भी बह रही पुत्र ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਦਵਾਈ ਦਾਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਕਰੀਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾੜ ਵੇਖ ਹੀ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨ ਬਸ ਉਹ ਆਪਣਾ ਛੱਡ ਗਿਆ ਲੈ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਲਾ ਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਲਾੜ ਨੂੰ ਵੱਧ ਲਈ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪੁੱਤਰ ਕਿਹੜਾ ਬਾਪ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਦਿੰਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਿਹਾੜੀ ਆ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੈ ਕਰਦੇ ਲੈ ਤੇ ਬੀਵੀ ਵਾਲੇ ਬਾਲ ਲੈ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧਿਆਲੇ ਲੱਗੇ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਥ ਲਈਏਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਸ਼ਵਾਈ ਹੈ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਬੇਟੀ ਕੰਮ ਕੁੰਮ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਬਹੁਤੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰੀ ਬਾਹਰੋਂ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਦਿੰਦੀ ਉਹ ਖਾ ਲਈਦੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਲਿਆ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ
गरीब बंदे वाला भी आटा वाला भी खा लू चीज वाला पी लू ना दवाई कपड़ा की करा मेरा मीटर ही लिया दे बत्ती का बिल जरा वो ही आ गया वापस पाली जरा कितों ले गए बच्ची एक अद्धा बाल्टी भर के गुआढ़िया लो लै दी वे सकते ही जाके खुरे ही वेल हो जा कोई टैंकी ली कुछ ले ला कोई फ्रिज ला कोई टीवी मैं तो बड़ा वा यार जहाँ मौत आई है तो फिर बच्ची को भी वेला वेखा चलो बची जाती है बाहर मकान जरा गिरवी छड़ गया सारा कि खाली कराओगे कब्जा खाली कि होना खाली की करा दसो ला भी वह आ रहे ने ला लो मिलतरला करके कट दी लड़के जाते गाल बंदा भी कट के बेचो मकान वह आते ने बेचो वह बेच के कितने जावा बहुत आई है बुरी हालत खराब है पुत्र छे साल हो गए पेशाब कर लिया इतों रेड रुड़ के चला गया बाथरूम इतने आ गया तो यह जी कहानी इनकी किसी वक्त में आज से 5-6 साल पहले इनका अपना कारखाना होता था लेकिन वहाँ पे भी नुकसान हुए रुई का काम था आग लग जाती थी इनके अपने वर्कर होते थे अपने इन्होंने मुलाजम वहाँ पे रखे होते थे काम करने वाले लड़के रखे होते थे लेकिन अब हालात ही आ गए हैं कि अपनी जो औलाद है वो भी अपना जो खर्चा है बड़ी मुश्किल जो है वो चला रहे हैं गुजर बसर कर रहे हैं उनके अपने बच्चे होंगे अपने मामला होंगे लेकिन बाप इस हालत में पड़ा हुआ है कि दवाई के पैसे नहीं है 6 साल हो गए हैं टांगों से जो है वो चला नहीं जा रहा उठ पिट नहीं सकते वॉशरूम नहीं जा सकते खुद किसी के सहारे के बगैर घर जिसमें मैं इस टाइम बैठा हुआ हूँ इसकी टोटल मालियत 30-35 लाख रुपया ये गांव का थोड़ा सा ठोकर के करीब इलाका है तो प्रॉपर्टी की इतनी यहाँ पे कीमत नहीं है ठीक है 30-35 लाख रुपये उसकी डिमांड है 15 लाख रुपये ये गिरवी लेके जो है वो खा चुके हैं तो अगर कोई मुहैया हजरात कोई साहब हसीयत बंदा कोई राशन बांट रहा हो कोई दवाइयों में इनकी हेल्प करना चाह रहा हो कोई अल्लाह का बंदा इनका महाना खर्चा उठाना चाह रहा हो हाथ जोड़ के अपील है नेकियां कमाने का महीना है नेकियां कमाने का दिन है अल्लाह आपको इतना बेहसाब देगा आपके इतना अजर देगा अल्लाह आपको अगर आप इस रमज़ान के महीने में किसी के काम आएंगे किसी की हेल्प करेंगे क्या आपकी सोच है तो अपील ही कर सकता हूँ कि अगर इनकी हेल्प करना चाहें नीचे नंबर आ रहा होगा इनका उस पर आप रब्ता करें डायरेक्ट आना चाह रहे हैं डायरेक्ट आएँ मेरी कोई उसमें आपको हेल्प चाह रही है मेरी टीम की इमरान भाई की फातिमा की मेरा कोई भी हमारे खबर पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से किसी भी आप चाहते हैं कोई साथ आए हम तक कोई चीज़ पहुंचाना चाह रहे हैं इनको डिलीवर करें तो उसमें हम 24/7 अवेलेबल हैं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें हो सकता है आप लोग हेल्प ना करें लेकिन किसी ऐसे बंदे तक पहुँच जाए जो इन लोगों की हेल्प कर दे अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें अल्लाह हाफ़िज़।